अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में लोग अपना पिटीशन दे सकते हैं, जिनको अपनी शिकायतें हैं तो शिकायतों को दूर करेंगे। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो आप हर चीज़ पर आप आरोप लगा सकते हैं, राजनीतिक कारणों से लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह की बात है तो उस प्रमाण के साथ दे कि कहाँ गलती है। न्यायालय ने जरूर सोच समझ करके इसमें निर्णय लिया होगा और माननीय न्यायालय के किसी भी निर्णय पर टिप्पणी करना किन कारणों से उन्होंने किया, लेकिन निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो कास्ट सर्वे हुआ है इसमें सभी पार्टियों का, जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, सभी सहमत थी। इसको विधानसभा विधान परिषद में पास किया गया, सभी पार्टियों ने सहमति जताई और तभी ये कार्रवाई हुई है और इस तरह का सर्वे हुआ है। जहाँ तक इसमें काफ़ी मुश्किल बीच में आए, लोग नहीं चाहते थे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन इसमें राजनीतिक कारण भी आए कि इसमें ना हो, लेकिन फिर भी ये सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दृढ़ विश्वास था और चूंकि सभी पार्टियों की सहमति थी तो उसको काफ़ी अच्छे ढंग से किया गया है। और इसमें जो विभिन्न जातियां हैं उनकी संख्या, और साथ ही साथ गौरतलब है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है और हर वर्ग की, हर जात की आर्थिक स्थिति क्या है, इसके बारे में भी गहन पता किया गया है। तो अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो तो उसके बारे में लोग अपना पिटीशन दे सकते हैं, जिनको अपनी शिकायतें हैं तो शिकायतों को दूर करेंगे, लेकिन कमोबेश ये जो हुआ है काफ़ी सोच समझ करके और हुआ है और इसमें काफ़ी लोग लगे थे और पूरी पारदर्शिता के साथ इसे किया गया है और इसमें समय दिया गया, उचित समय दिया गया है। और इस देखिए, आरोप लगाने के लिए तो आप हर चीज़ पर आप आरोप लगा सकते हैं, राजनीतिक कारणों से लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह की बात है तो उस प्रमाण के साथ दे कि कहाँ गलती है। अमूमन इस तरह से कह देना कि गलतियां हुई हैं तो बहुत आसान है। अभी पिछड़ा को लेकर आप लोग लगातार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक का भी हो रहा है, लेकिन उसमें भी 2 महीना लगेगा। बीजेपी का कहना है कि जल्दीबाजी में किया गया है। नहीं, जल्दीबाजी में तो नहीं किया गया है, इसमें काफ़ी गहन छानबीन की गई है और जो भी जिन आयामों पर किया गया है उसको सोच विचार करके किया है, सभी की सहमति से किया गया है। हमने कहा ना कि अगर इसका उद्देश्य बहुत साफ है कि जिन समाज के वर्गों का, जातियों का जो कमी है, चाहे शैक्षणिक योग्यता में हो या आर्थिक स्थिति से हो, तो उसी के अनुसार योजनाएं बनाई जाएंगी। तो उद्देश्य है कि सभी का विकास हो, विकास के साथ न्याय हो, तो उस तरह से पॉलिसी जब ज़रूरत पड़ेगी पूरी तरीके से सोच समझ करके सरकार बनाएगी। बीजेपी कह रही है कि पिछड़ा को अब मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, खुद बनना चाहते हैं तो ये क्यों नहीं कहते पूरे मन से कि उनका मन है, लेकिन अंतोगत्वा तो जनता जिनको चुनती है और जो पार्टी मेजॉरिटी में है और उनकी जो सोच है वो जो चुनते हैं पार्टियाँ, तो अभी तो उनके लिए मुश्किल है और आने वाले समय में भी लिए उनके लिए मुश्किल है। लालू फैमिली को बेल मिल गई, रॉय के परिवार को बेल मिल गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये माननीय न्यायालय ने जरूर सोच समझ करके इसमें निर्णय लिया होगा और माननीय न्यायालय के किसी भी निर्णय पर टिप्पणी करना किन कारणों से उन्होंने किया, लेकिन निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है। गठबंधन के लिए राहत की बात है, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और शुरू से माननीय लालू जी या माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इस केस में उनका कोई दोष नहीं है। ये तो न्यायालय को देखना है कि क्या दोष है नहीं है, लेकिन उनका शुरू से यही स्टैंड रहा है और हम लोग इस जो अभी उन्हें बेल मिला है उसका स्वागत करते हैं